हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल। काफ़ी सारे लोग मेरे से काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं। मेरे से लोग पूछते हैं कि मैम, हम अपना यूट्यूब पर चैनल क्यों बनाएं? यूट्यूब पर काम करने से, इतनी ज़्यादा मेहनत करने से क्या फ़ायदा हमको मिलेगा? क्या हम लोग बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, या फिर हम लोग बहुत जल्दी अपना एक नाम कमा लेंगे, यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे? क्या ऐसा कुछ हो जाएगा? मतलब क्या फ़ायदा है? देखिए, अगर मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊँ तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप यूट्यूब पर आए, आपने थोड़ा सा काम किया और उसी काम में आप लोग जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे या आप बहुत ज्यादा नाम कमा लेंगे। इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म पे यहाँ पे काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, लगन दिखाते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और एक अपना नाम बना सकते हैं यूट्यूब पर, कि आपको भी देश विदेश के लोग आपको जानने लगेंगे। हम आज बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को जानते हैं जिनका एक नाम है यूट्यूब पर। उनको सिर्फ हम ही नहीं जानते हैं, सिर्फ भारत देश के लोग नहीं जानते हैं, उनको दुनिया के हर देश के लोग जानते हैं। उनका इतना बड़ा नाम है यूट्यूब की वजह से, और वो बहुत सारा पैसा भी वो लोग कमा रहे हैं। डेफिनेटली ये बात हमको पता है ना। बहुत छोटी छोटी उम्र के ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। जब हम उन लोगों को देखते हैं तो हमारा बहुत मन करता है कि यार, इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, ये लोग कितनी आसानी से जो है वहाँ उस मुकाम पर पहुँच गए हैं। हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं, फिर हमारा मन करता है कि हम भी वहां पर पहुंच जाए। तो इसके लिए हम लोग जो है फटाफट यूट्यूब पे चैनल बना लेते हैं कि हम लोग भी वहां पहुंच जाएंगे। हम कभी भी ये नहीं देखते हैं कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उस एक क्रिएटर ने कितनी मेहनत करी है, कितना अपना जो है लगन दिखाया है यूट्यूब पर, कि आज वो उस मुकाम पर पहुंचा है। अगर मैं आपको अपनी एक रियल बात बताऊं तो मैं कई बार ऐसा सोचती हूं कि वही कैरी मिनाटी 22 साल के हैं और 22 साल में उन्होंने इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं, और मेरे को जो है 22 साल होने में कुछ महीने बाकी हैं, तो मैं भी ऐसा करती हूँ कि कुछ महीने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे लगन से काम करती हूँ, तो शायद जब मैं 22 साल की हो जाऊँ तो मेरे भी उनके ही जितने सब्सक्राइबर हो जाए। मैं ऐसा सोचती थी, तो उसके बाद जो है मैं निराश हो जाती थी खुद ही कि नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं जो है उनका जो चैनल है उसकी लास्ट वीडियो जाके जब मैंने देखी तो मुझे पता चला कि वो बहुत टाइम से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके बाद आज उन्होंने वो मेहनत करने के बाद ये मुकाम पाया है। और फिर मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि भाई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अभी थोड़े टाइम पहले आई हूँ और मैं अभी से चाहती हूँ कि मैं जो है वहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो ऐसा डेफिनेटली नहीं होगा, है ना। अगर हम बस ऐसा सोच लेंगे कि बैठे बैठे घर पे कि चलो भाई, उनके जितना फेमस हो जाएंगे, उनके जितना नाम कमा लेंगे, पैसा कमा लेंगे और भाई चलो चैनल खोल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हमको देखना पड़ेगा कि उन्होंने भी कितनी मेहनत से वहाँ पर पहुँचे हैं। हमको सिर्फ दूसरों की तरक्की दिखाई देती है, हमको सिर्फ ये दिखाई देता है कि लोग कहाँ पर पहुँच गए हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितनी ज़्यादा कठिनाइयों से वो लोग गुजरे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। लगातार 4, 5, 6 सालों से क्रिएटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, लगातार नया नया कंटेंट लाके लोगों को दे रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर नाम कमा सके, कुछ करके दिखा सके। और हम चाहते हैं कि भाई घर पे बैठे बैठे चलो भाई वहाँ पे फेमस हो जाते हैं, चलो भाई कुछ ऐसा करते हैं कि लोग हमको जानने लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। हमको अपने माइंड में क्लियर करना होगा कि हमको यूट्यूब पर क्यों आना है, हमको क्या चाहिए यूट्यूब से। आपको नाम चाहिए, पैसा चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये आपको खुद क्लियर करना है। आपको भी पता है कि आपको यूट्यूब हर चीज़ दे सकता है, हर चीज़ जो भी आप चाहते हैं, आपको पैसा, नाम, जो भी आप चाहते हैं वो आपको यूट्यूब दे सकता है। लेकिन उसके लिए हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि भाई बैठे बैठे मिल जाए और भाई हमारा तो नाम हो जाए, हमको तो बहुत पैसे मिल जाए, बस कुछ ना करना पड़े। तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि वो क्रिएटर्स कितने सालों से काम करने के बाद वहाँ पहुँचे, और अगर हमें भी वहाँ पहुँचना है तो हमें भी अपना 100% देना होगा और लगातार कई सालों तक काम करना होगा, फिर क्यों नहीं हम वहाँ पर पहुँचेंगे, है ना। अगर मैं आपको टेक्निकल गुरुजी के बारे में बताऊं, वो डेली की 2 वीडियो डालते हैं। अभी वो बहुत बड़े क्रिएटर है। अगर वो ऐसा भी करेंगे कि भाई चलो एक हफ्ते छोड़ देता हूँ, वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, तो उनके चैनल पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी पिछली जो वीडियोज़ हैं उन पर बहुत सारा व्यूज़ आएगा, है ना, क्योंकि वो बड़े फेमस हैं। लेकिन फिर भी वो डेली की 2 वीडियो डालते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं, अपनी पूरी जान डालते हैं अपनी वीडियोस में, और उसके बाद जो है अपनी वीडियोस को पब्लिश करते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है आपको थोड़ी सीख लेनी चाहिए इनसे, बस ये नहीं देखना चाहिए कि वो कहाँ पर आज बैठे हैं। कई सारे लोग इंस्पायर होते हैं बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर से, देखते हैं अरे यार बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अरे वाह विदेश में घूम रहे हैं, अरे वाह इसने तो यूट्यूब से पैसों से कार ले ली। फिर हम लोग भी सोचते हैं हम भी अपना चैनल बनाएंगे और वहाँ पर जो है हम लोग चैनल बना लेते हैं इन लोगों को देख कर। चैनल बनाने के बाद उस पर कुछ वीडियोस डालते हैं, उन वीडियोस पे हमारे व्यूज़ नहीं आते हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं नहीं यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, छोड़ो हमको नहीं करना है यहाँ पे काम,
चल के चलते अपनी दोबारा नॉर्मल वाली जिंदगी में, हमें नहीं बनानी वीडियो, है ना। हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, हिम्मत हार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने दूसरों की लाइफ को देखे, जो हम इंस्पायर हुए हैं ना कि भाई हाँ उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, वो तो विदेशों में घूम रहे हैं, उन्होंने गाड़ी ले ली, ये ले लिया, वहाँ चले गए, जब हम ऐसा देख के किसी को आते हैं यूट्यूब पर, तो डेफिनेटली ऐसा होता ही है कि हम कुछ टाइम के लिए ही हमारे अंदर मोटिवेशन रहता है, कुछ टाइम के लिए ही हम यहाँ पे लगातार काम कर पाते हैं, और उसके बाद जब हमारे व्यूज नहीं आते हैं शुरुआत में ही, तो हम लोग छोड़ के चले जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, वो तो वहाँ पर पहुँच गए लेकिन हम नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों भाई, आप क्यों नहीं पहुँच पाओगे? कि आपके अंदर कोई दिक्कत है, कि आपके अंदर कोई कमी है? डेफिनेटली नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन आप भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर आप उनकी जितनी मेहनत करेंगे। तो मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीधा सीधा ये नहीं है कि आप यहाँ पर आएंगे और आपको जो है आप YouTube पे स्टार बन जाएंगे कि चलो भाई मेरा तो नाम हो गया, मैं तो स्टार बन गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लगातार कई सालों तक आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा धीरे धीरे, और तब जाके आप वो मुकाम ज़रूर हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं। तो यही है कि भाई आप ज़रूर चैनल स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप जब तक खुद अंदर से आपका दिल ना बोले ना, या आपका मन से आवाज़ नहीं आए कि हाँ मेरे को स्टार्ट करना है, तब तक मत कीजिए। कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप किसी दूसरे के बोलने पर यूट्यूब पर आ गए, या फिर किसी दूसरे क्रिएटर को देखकर यूट्यूब पर आ गए कि हाँ भाई वो भी डाल रहा है तो हम भी डाल लेते हैं, उसके जैसे वीडियोज़ देख के डाल देंगे। तो ऐसे तो आप नहीं चल पाएंगे। जब तक आपका खुद मन ना करे, या जब तक आप अंदर से खुद मोटिवेट ना हो, आपके अंदर से आवाज़ नहीं आए कि आपको यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करना है, तब तक आप मत कीजिए। और जैसे ही आपके अंदर से आवाज़ आती है, तो आपको डेफिनेटली जो है अपना चैनल शुरू कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि कब आपके अंदर से वो आवाज़ आती है। अगर आप सचमुच मोटिवेटेड हैं कुछ करने के लिए, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, और अगर मोटिवेटेड नहीं है तो फिर आप मत कीजिए, रहने दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन हो। आपका जो भी गोल है उसको आप क्लियर रखिए, आपकी आंखों के सामने रखिए कि आपका गोल क्या है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, आपका गोल पैसा हो सकता है, नाम हो सकता है, कुछ भी और चीज़ हो सकता है। तो उस गोल के साथ क्लियर रहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा सकते या आप कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस गोल के लिए आप क्लियर रहिए और उस गोल को अपने ध्यान में रखकर आप काम कीजिए। जैसे अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो मेरा तो गोल था नाम कमाना, हमेशा से अभी भी यही है, पैसा नहीं है। अगर पैसा ही गोल होता तो मेरे पास डेली के बहुत सारे ईमेल्स आते हैं स्पॉन्सरशिप्स वगैरह के लिए, लेकिन मैं सबको हाँ नहीं बोलती हूँ। अभी तक अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ, तो मैंने एक को हाँ बोला था और उसका मैंने प्रमोशन भी किया था, उसके अलावा मैंने किसी को हाँ नहीं बोला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ अभी ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार करना किसी एप्लीकेशन वगैरह का, क्योंकि मुझे वो एप्लीकेशन ठीक नहीं लगती है, इसलिए मैं उनका प्रचार प्रसार नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर मैं कर देती हूँ तो मुझे पैसा मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपका विश्वास मेरे ऊपर से हट जाए, खो जाए, है ना। तो क्योंकि मेरा मोटिवेशन पैसा नहीं है, मेरा मोटिवेशन नाम है, अगर मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी वही है कि मेरे को एक नाम करना है, ठीक है, तो वो मेरा मोटिवेशन है। आपके लिए कुछ और मोटिवेशन हो सकता है, बट आप डेफिनेटली चैनल स्टार्ट कीजिए, आगे यहाँ पे काम करिए। जब आप अंदर से मोटिवेटेड है, तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, आपको अपना एक फ़ोन चाहिए होता है, और सभी के पास फ़ोन होता है, क्योंकि उसी में आप लोग यूट्यूब अभी देख रहे होंगे। तो उसी फ़ोन से जो है आपने आके वीडियोज़ बनाना शुरू कर दीजिए। मेरे पास भी कुछ नहीं है, कोई माइक नहीं, ट्राईपॉड नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ एक मोबाइल है और उसी से सारी चीज़ें करके मैं वीडियोज़ को पब्लिश कर देती हूँ, ठीक। तो ये चीज़ें आप भी रखिए, कुछ नहीं चाहिए है, और क्या जा रहा है यार, एक बार आके अपना ट्राई तो कर सकते हैं, एक बार आके 6 महीने या साल भर हम यहाँ पे काम करके तो देख सकते हैं कि हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं। और डेफिनेटली अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो क्यों नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, ट्राई कीजिए, आपका कुछ जा नहीं रहा है, आपका जो है बहुत सारा पैसा नहीं लग रहा है वीडियोस बनाने के लिए, आपको कुछ खरीदना नहीं है, आपको सिर्फ आना है, कैमरा खोल लेना है अपनी फ़ोन का, और उस पर आके कुछ चीज़ें बता देनी है जो भी आप बताना चाहते हैं, और उस वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। लगातार ऐसे करते रहिए और देखिए आप कितना अच्छा जो है चीज़ें कर सकते हैं। तो आज मैं अपने साथ रुमाल भी लेके आई थी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इतना ज़्यादा पसीना आपका आता है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं जो है अपना रुमाल भी ले आती हूँ, है ना। तो इसके लिए मैं रुमाल ले आई। खैर, तो यही जो है आप लोगों को बोलना था कि आपको जब तक अंदर से आवाज़ नहीं है, जब अब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, तब तक आप मत स्टार्ट कीजिए अपना चैनल, क्योंकि आप थोड़े दिन के बाद फिर से हिम्मत हार जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर मैं आपको आगे कुछ बोल रही हूँ या मोटिवेशन देने की कोशिश कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप बाहरी तौर पर ही अभी प्रेरित होंगे, आंतरिक तौर पर नहीं हो पाएंगे। तो आंतरिक तौर पर अभी प्रेरित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे कुछ बोल देने से, यहाँ पे आके स्पीच दे देने से या गाना गा देने से तो आप अभी प्रेरित नहीं होंगे, वो आवाज़ आपके अंदर से आती है। तो यहाँ पे मैं कुछ साइकोलॉजी के टर्म यूज़ करने लग गई, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो बात कोई बात नहीं, वो बात अलग है, आप समझ ही गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को बताना था, कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूज़र नेम है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।